क्विज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, हफ्ते का आखिरी दिन, लेकिन बहुत सारी मसालेदार टेक न्यूज आप लोगों को मिलेगी। पूरे हफ्ते की इकट्ठा किया है, सोचा आज सब कुछ दे देते। वैसे आपको सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देते, आज है गणेश चतुर्थी। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी गणेश चतुर्थी। एंजॉय करिए, खुश रहिए, मजे करिए और बी सेफ। और साथ ही साथ मंडे के दिन दोपहर के 12 बजे हमारे 2024 का अब तक का सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो आ रहा है, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई है जो मुझे लगता है कि आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। और उसमें सिर्फ वीडियो के अंदर वीडियो बनाकर ही नहीं, हमने बैकएंड में और थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पर कुछ काम किया है, जो आपको मंडे को पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या बात है। ठीक है, लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करके रहिए ताकि उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और फटाफट से आज की रेटिंग शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं नथिंग से। नथिंग ने फिर से अपना एक न्यू प्रोडक्ट अनाउंस किया है, सिर्फ टीज किया है अगर बेसिकली मैं कहूं। और जहां पर इसमें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कोई फोन नहीं है, बल्कि कुछ ईयरफोन हो सकता है या कुछ हेडफोन हो सकता है। नथिंग ईयर ओपन करके जो पहले लीक हुआ था, शायद ये वो हो सकता है। अब एग्जैक्टली इसमें क्या होगा, ज्यादा कुछ खास अभी पता है नहीं। बढ़ा नथिंग वाले भी कर रहे हैं कंटिन्यूस लॉन्चेस, इस बार क्या खास होता है और क्या कुछ होता है ये तो आएगा तो पता चलेगा। जियो एनिवर्सरी रिचार्ज प्लान। अगर आप जियो के सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों के लिए बढ़िया रिचार्ज प्लान आ चुका है। 8 साल जियो को हो चुके हैं जब से आया है, तब से लेके अब तक। आपको तो याद होगा 2016 में जब जियो आया था तो हमने बहुत सारे वीडियोस बनाई थी। अब उसको 8 साल हो चुके हैं, सोचो। और जियो ने यहाँ पर अपने 899 और जो 3599 क्या जो भी जितने प्लान्स हैं ना, इनके ऊपर यहाँ पर कुछ बढ़िया ऑफर्स दिया है, जिसमें 28 डेज का आपको OTT एप्स का एक्सेस मिलेगा। इसमें Z5, सोनी लीव, जियो सिनेमा प्रीमियम और लायंस गेट डिस्कवरी, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। और कुछ 10 GB का अलग से वो वाउचर भी यहाँ पर जो वो दे रहा है। और ये सिर्फ कल तक है, 8 सितंबर तक, उससे पहले आप चाहो तो इसको रिचार्ज करके रख लीजिए। वैसे आप बताइए दोस्तों, जियो एयरटेल वोडाफोन इन सिम कार्ड अगर आप इस्तेमाल करते हो तो नेटवर्क का एक्सपीरियंस क्या है, डाउनलोड का एक्सपीरियंस क्या है, कमेंट में जरूर बताना। वीवो ने यहाँ पर चाइना में कमाल कर दिया। उन्होंने अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया, Y300 Pro। अब आप सोच रहे भाई इस स्मार्टफोन में इतना खास क्या है कि टेक्नोलॉजीज ने इसको डेडिकेटेड न्यूज दे दिया। इसमें खास यहाँ पर ये है कि ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है 6500 mAh बैटरी के साथ। ये खास नहीं है, खास क्या है वो बताता हूँ। 7.69 mm की थिकनेस पर, मतलब आप सोचो मार्केट में 5000 mAh बैटरी, 5500 mAh बैटरी है, इनफैक्ट 6000 वाले भी फोन्स भी आते हैं तो उनमें ये थिकनेस मिलना मुश्किल हो जाती है। इन्होंने 6500 mAh बैटरी वाला फ़ोन लॉन्च किया और ये थिकनेस दिया। और प्रॉब्ली शायद ये टेक्नोलॉजी ऐसी और बहुत सारे ऐसे फोन्स फ्यूचर में हमें इंडिया में देखने को मिल सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है कि बड़ी बैटरी के साथ अब फोन भी आपको उतना बल्कियर जो वो देखने को नहीं मिलेगा। अब और बाकी इस फोन के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। 30000 में लॉन्च हुआ है Snapdragon 6 Gen 1, जो कि नॉट वर्थ इट, बट स्टिल काम जो किया गया है बहुत अच्छा किया है। OnePlus की तरफ से इंटरेस्टिंग क्या ही बताए, इंटरेस्टिंग तो बोल नहीं सकते। एनीवेज, OnePlus 13 जो है इसके यहां पर ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुकी है ब्रांड की तरफ से कि ये अगले महीने जो है वो लॉन्च होने वाला है। और इसमें 2K क्वाड कर्व्ड BOE X2 वाली डिस्प्ले होगी, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4। और तीसरा बताया जा रहा है कि मदरबोर्ड मरना, तेरे को डर नहीं लगता, मतलब ये सारे फीचर्स बोले ब्रांड जो है वो उसमें देने वाला है। बाकी जब ये फोन आएगा तो अक्टूबर में हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली OnePlus क्या कर रहा है। हाँ बस इतना ही था। टॉप 10 बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन्स की लिस्ट यहां पर आ चुकी है। और Q2 मतलब जनवरी फरवरी मार्च, ये Q1 होता है, अप्रैल मई जून, ये 3 महीना जो है आगे का वो Q2 होता है। आपको पता है सबसे ज़्यादा फोन्स कौन से बिके हैं और कब सबसे ज़्यादा कौन से फोन्स पॉपुलर हैं? नंबर 1 पे आईफोन 15, बिल्कुल सही सुना, ये लिस्ट आप देख लीजिए। 15 प्रो मैक्स है, 15 प्रो मतलब स्टार्टिंग के तो एप्पल ने ही पूरा मार्केट ले लिया है। इनफैक्ट गैलेक्सी A15 भी है, उसके बाद रेडमी भी हमें दिखाई दे रहा है और सैमसंग की और S24 Ultra S24। मतलब एप्पल और सैमसंग हर साल ऐसे ही होता है और ये लिस्ट मैं हमेशा से देखता आ रहा हूँ, यही लोग लीड करते हैं अगर बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन की बात आती है। और फर्स्ट टाइम हमने इसमें रेडमी भी देख लिया। यानी कि आप सोचो, जितना भी आप क्रिटिसाइज कर लो, कुछ भी कर लो, लोगों को जो लेना है वो लेगा, जिसको जो ठीक लगता है वो करेगा। ये चीज़ मैंने पिछले 10 साल से नोटिस किया अपने इस करियर में, सोचो। स्टिल आप बताइए,
इनमें से कोई ऐसा फोन है जो आपको लगता है कि वर्थ है लिस्ट में, मेरे हिसाब से S24 अल्ट्रा, आप कमेंट में जरूर बताना। मीडियाटेक के सीईओ, क्या नाम है भाई इनका, काय लिक्सिंग, हाँ काय लिक्सिंग ने यहाँ पर ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि अक्टूबर के महीने में आएगा मीडिया बूढ़ा हो गया, मैं बूढ़ा तो पानी पी के आता है। A few minutes later, हाँ तो उन्होंने ऐसा बताया कि अक्टूबर के महीने के अंदर मीडियाटेक डायमेंसिटी 9400 चिपसेट अनाउंस हो जाएगी, ये उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है, जो कि हमारे लिए कुछ नई बात नहीं, हमें पता है कि आएगा। और नई बात ये कि इसमें कॉर्टेक्स X925 वाले परफॉर्मेंस कोर्स होंगे, ये प्रॉमिसिंग लग रहा है क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल लग रहा है। और जहां पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 4 भी आ रहा है और उसमें भी बोल रहे हैं कि वो 4 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर इसकी क्लॉक स्पीड जा सकती है, और उसमें भी बहुत सारी चीजें बोल रहे होने वाला है। इस बार ऐसा लग रहा है कि इनके प्रीवियस जनरेशन से जो फ्लैगशिप्स आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा किलर परफॉर्मेंस दे सकती है। लेट्स सी कि इस बार भी क्या ये एप्पल को कम्पीट कर सकेंगे या नहीं, या कंसोल क्वालिटी कुछ हमें गेम्स खेलने को मिलेंगे जैसे कि ये लोग एप्पल में मजा ले रहे हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। सैमसंग गैलेक्सी S25 सीरीज को लेकर एक मसालेदार खबर आई है, और इस बात पर अगर ये सही है तो हम जिल्ले इलाह वाला सलाम कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर सैमसंग के सारे वेरिएंट्स में इस बार थैंकफुली स्नैपड्रैगन 8 जेन 4 होगा। पाएगा मजा खेल का। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मतलब पिछले बार हमें पता है कि S24 प्लस में एक्सिनोस था और S24 अल्ट्रा के अंदर हमें मिला था ये स्नैपड्रैगन, लेकिन अब इस बार बताया जा रहा है कि भाई एक्सिनोस डिले हो गया, तो उस चक्कर में यहां पर ऐसा बोल रहे हैं कि शायद स्नैपड्रैगन 8 जेन 4 ही सभी वेरिएंट्स में यहाँ पर मिलने वाला है। सो लेट्स सी, ये खबर सही है या गलत है कुछ पता नहीं, लेकिन हाँ फोल्ड 7 जो आएगा ना उसमें एक्सिनोस आ सकता है ऐसा बोल रहे हैं, बाकी वो जब आएगा तब देखते हैं। वैसे साथ ही साथ सैमसंग गैलेक्सी S24 फैन एडिशन की पूरी स्पेक्स यहाँ पर लीक हो गई है, आप सिर्फ प्राइस बता के लॉन्च कर दो, बाकी सब हमने पहले ही निकाल लिया है। आपको डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाली है फुल एचडी प्लस की, 6.7 इंच 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट, एक्सिनोस 2400E, हाँ ऐसा कुछ एफिशिएंट वगैरह कुछ होगा, 50 का कैमरा है, अल्ट्रावेट सेंसर भी है, फिर 10 की सेल्फी है, एंड्रॉइड 14 और लॉन्गर अपडेट्स, प्लस 4600 एमएच की बैटरी जो कि थोड़ा कम लग रही है, और अभी भी इसमें 25 वॉट ही चार्जिंग है। आई डोंट नो सैमसंग इसके ऊपर कब जाएगा, बट चार्जिंग सैमसंग के फोन्स में बहुत कम होती है, और मैक्सिमम 45 वॉट भी होती तो अच्छा होता, और IP68 बताया जा रहा है कि 50,000 की रेंज का ये फोन होगा, और अभी कितना जस्टिस करेगा क्या करेगा हम अनबॉक्सिंग करके आपको सब बताएंगे। Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है, जी हाँ, और मुझे लगता है कि आगे चल के ब्रांड इसका इतना इस्तेमाल करेगी कि आपको पागल कर देगी, जिसमें आपको कॉर्टेक्स A78 के कोर्स मिल रहे हैं, कुछ नया नहीं है, Adreno 710 GPU, LPDDR5 UFS 3.1 120Hz के डिस्प्ले, कुछ नया नहीं है, और हाँ 200 megapixel मैक्स कैमरा, ये बता दूँ ऑलमोस्ट Snapdragon 7S Gen 2 आया था, याद है आपको, याद होगा 25,000 की रेंज में मिल रहा है, ये उसके जैसा ही है, बस उसका लाइटर वर्जन है, आप समझ लीजिए। लेट्स सी, अगर 15,000-20,000 की रेंज में ये चिपसेट आती है तो अलग बात है। मेटा के चीफ एआई साइंटिस्ट यान ली ह्यून, उन्होंने यहां पर ऐसा बताया कि 2030 के बाद, यानी आने वाले 10 साल के अंदर, टेक्नोलॉजी ऐसी हो जाएगी कि आपको स्मार्टफोन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, सारा काम जो है वो हम स्मार्ट ग्लासेस और वेरेबल्स इनके थ्रू यहाँ पर करेंगे, यानी कि आपको फ़ोन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ग्लासेस के अंदर ही आप सब कुछ कर सकते हो, कॉल रिसीव करना और पिकअप करना, ये सब कुछ उन्होंने बताया, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर बोली कि बस स्मार्टफोन यूज़लेस हो जाएगा। लेकिन सर आपसे एक बात कहनी है, वो टिकटॉक पे जो ये सब जो करते हैं और जो इंस्टाग्राम पर ये सब जो करते हैं ये वाला, वो कैसा करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये सब मुझे लगता है कि बोलने की बात है, स्मार्टफोन कोई किल नहीं कर सकता है, स्मार्टफोन एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जो कभी भी हमारे से दूर नहीं होने वाला, ये सब चीज़ें जो है चश्मा वश्मा सिर्फ 2 दिन पहनते फिर तीसरे दिन सर दुखता रख देते, सॉरी बट ये ट्रुथ है। डील की बात करते हैं, अगर आपको एक 43 इंच का स्मार्ट टीवी चाहिए और आपकी बजट 25,000 के आसपास या उसके नीचे है, तो Xiaomi का ये एक स्मार्ट टीवी है जो मुझे ठीक लगा है, रेटिंग्स भी ओके हैं, तो अगर आपको ऐसा लगता है, एक्चुअली में डील्स जो है ना ये हमारी टीम ढूंढ के लेती है, मैं ध्यान नहीं देता इतना, और कुछ भी ढूंढ के लेके आती है, क्या ही बोलना बोलो। चलो ठीक है, अगर आपको लगता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
गेमिंग की बात करते हैं। एसर ने अपना फर्स्ट एवर गेमिंग हैंडल लेके आ चुका है। यस, इसमें आपको AMD 8840 वाली CPU मिलती है, 7-inch की डिस्प्ले है, और भी जैसे कि सारे हैंडल्स आजकल आ रहे हैं। पता नहीं लोगों को इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं। आई नो कि बैटरी कंसर्न है, लेकिन आप चार्ज पे लगा कर भी खेल सकते। हैंडल है यार भाई, पीसी के गेम्स खेल सकते। जो मेरे पास है लेनोवो का, कमाल कर रहा हूँ। तो एसुस लेनोवो तो वैसे इंडिया में आ गया, अब एसर भी लॉन्च हो रहा है। प्राइसिंग अभी तक उन्होंने रिवील नहीं किया, लेकिन मुझे वही लग रहा है कि 70-80 हज़ार के आसपास हो सकता है। क्या आपको बताया दोस्तों, कंगारू, जो कंगारू आपको पता होगा ना, हाँ, इनमें प्रॉब्लम क्या है ना कि ये सिर्फ आगे चलते हैं ना, बट ये पीछे नहीं चल सकते। पता नहीं तो डिफिकल्ट क्यों है, बट ये सच्चाई है। आज की न्यूज देखा था, मैं तो आपको आज की न्यूज पसंद आई, लाइक करिए। 15,000-20,000 जितना आपको ठीक लगे। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।